जय हिंद दोस्तों, फोर्स अकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि चर्चा अभी एनडीए के रिजल्ट्स को लेकर के चल रही है, अभी एनडीए के रिजल्ट्स 2 दिन पहले ही डिक्लेयर हुए हैं और इन रिजल्ट्स में किस तरह सफलता पाई जाए, किन स्टूडेंट्स ने सफलता पाई है, ऐसे ही सफलतम विद्यार्थियों से मैं आपको मिलवाता हूँ। हमारे साथ में हमारे विद्यार्थी अभिषेक सेन। अभिषेक बेटा, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। अभिषेक की जो कहानी है दोस्तों, अगर इस कहानी को अगर आपने पूरा सुन लिया तो उसके बाद में आपके दिमाग में से एनडीए के बारे में जो मिथ है, जो भ्रम है एनडीए के बारे में, वो सारे भ्रम क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहली बात तो मैं क्लियर कर दूं कि हमारे जो स्टूडेंट है अभिषेक, ये हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है और बिल्कुल ग्रामीण परिवेश से, जिस तरह से हम और आप लोग हैं, जिस तरह का हमारा परिवेश होता है, कई बार हम उन्हीं चीज़ों को सोच करके समझ लेते हैं कि शायद अब मेरे बस की नहीं है, मेरे से नहीं हो पाएगा। तो वो सारी चिंताएं अब आपकी खत्म होने वाली, क्योंकि आपके तमाम सवाल आपकी तरफ से मैं अभिषेक से पूछ रहा हूँ। अभिषेक बेटा, आप बताइए, जैसे आपने 12th तक आपका क्या मीडियम रहा है? सर, मैं हिंदी मीडियम से था 12th में। आपका मीडियम हिंदी था 12th में? जी सर। तो 12th के बाद आपने इधर डिफेंस लाइन को क्यों चुना? सर, मेरे को सर ये अच्छी लगी, वैसे इसमें जल्दी अपन ज्वाइन कर सकते हैं। अपन ग्रेजुएशन के बाद फिर उसमें सर चांस बहुत कम रहते हैं, बहुत सारे दर दर भटकते रहते हैं। देखिए, वही सोचे कि भाई जल्दी से हमको जॉब मिल जाए। हम ग्रामीण परिवेश के स्टूडेंट्स होते हैं, हमारी सबसे बड़ी समस्या होती है कहीं ना कहीं फाइनेंशियल बैकग्राउंड हमारा थोड़ा सा वीक होता है, तो वही हमारी चिंता होती है कि हम जैसे कैसे भी करके 12th के बाद में कुछ ऐसा रोजगार हासिल कर लें जिससे हमारा फाइनेंशियल स्टेटस मजबूत हो जाए, जॉब भी रुतबे वाली हो। तो अभिषेक, हमारे दर्शकों को बताना चाह रहा हूँ कि आपने पहले एयरफोर्स के लिए इधर ज्वाइन किया था और आपने एयरफोर्स का एग्जाम क्वालिफाई किया था। जी सर। एयरफोर्स का एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद क्या दिक्कत हो गई थी, क्या परेशानी हो गई? सर मैं हिंदी मीडियम से था वैसे, तो मैं था थोड़े इंग्लिश में एक्सप्लेन स्टार्ट नहीं कर पाता था, तो सर ये मेरे को GD में सर फेस सेकेंड में सब प्रॉब्लम आई थी है। तो सर फिर मैंने बाद में सोचा था कि एयरफोर्स तो अपनी क्लियर हो चुकी है, फिर अब आगे थोड़ा कुछ बड़ा कर ले तो और अच्छा रहेगा। तो सर मैंने सर से बात की और उनसे बोला कि सर मैं एनडीए करना चाहता हूँ, तो सर ने बताया कि हाँ कर लो। है ना, आप सोचिए कि पहले एयरफोर्स में सिलेक्शन हो गया और उसके बाद फिर एयरफोर्स के ग्रुप डिस्कशन में एक तरह से थोड़ी सी असफलता आज लगती है, तो बंदा वापस से एयरफोर्स में जाने के बजाय सोचता है कि एयरफोर्स तो मेरा क्लियर हो ही गया है, नेक्स्ट टाइम जब एयरफोर्स का एग्जाम होगा तो मैं सेल्फ प्रिपरेशन के बेसिस पर भी इसको क्लियर कर लूंगा, पर अब आई शुड लुक फॉर द अनदर एग्जाम दैट शुड बी हायर। और उन्होंने एनडीए के लिए सोचा और एनडीए के एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना शुरू किया। अभिषेक, हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट एक बड़ी परेशानी होती है, एक चुनौती के तौर पर उसको देखा जाता है, तो आपका इंग्लिश जब आप 12th पास करके आए थे तब कैसा था और बाद में आपने किस तरह से प्रिपरेशन किया? जी सर, 12th जब मैं पास किया था तो उसमें सर 12th में लगा था कि बहुत कमज़ोर है अपन, और दूसरों को देखा था। फिर मैं सर यहाँ फोर्स अकेडमी में आया, फिर यहाँ पर सर ने बताया, पढ़ाया उन्होंने, फिर मैंने थोड़े से अपनी तरह से मेहनत की, तो सर धीरे धीरे लगा सर। आपने अपनी तरफ से क्या मेहनत की? देखिए, टीचर्स तो सब पढ़ाते हैं, तमाम स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, आपने खुद से किस तरह से मेहनत किया सर? जैसे और खुद से इंग्लिश को किस तरह से इम्प्रूव किया? दूसरे बच्चे जो देख रहे हैं कि भाई जरूरी तो है नहीं कि देखने वाला हर बच्चा फोर्स डिफेंस अकेडमी ज्वाइन कर लेगा, पर हम ये चाहते हैं कि जो बच्चा फौज के बारे में सोचता है या फौज ज्वाइन करना चाहता है, हम उसकी ज्यादा से ज्यादा मदद वहीं पर कर पाए जहां पर भी है। तो इंग्लिश में आपने खुद से किस तरह से मेहनत किया, कौन सी बुक प्रेफर की? जी सर, सर ने बताया जैसे कि वो किस तरह से प्रिपरेशन किया आपने? सर ने पढ़ाया था हमको, फिर उसके बाद सर बोलते थे कि बेटा इस पे अच्छे से कमांड कर लेना सर, फिर हम घर पर जाते थे और उनकी जो एरर है उनके पे फोकस करते थे, फिर और टेस्ट रहते थे हर रविवार एक बार, हर संडे को टेस्ट रहते थे, घर जाकर के एरर सॉल्व करते थे। और सिनोनिम एंटोनिम्स वन वर्ड्स के लिए क्या करते थे सर? उनके लिए आप वो शीट प्रोवाइड करते थे सर, उनको करते थे याद, जो शीट देते थे वो शीट को आप सॉल्व करते थे, उसको लर्न करते थे, उससे काम आपका हो जाता था। मैथमेटिक्स के लिए कौन सी बुक्स लगाई अभिषेक? सर RS अग्रवाल लगाई थी सर। मैथमेटिक्स के लिए RS अग्रवाल लगाया, उससे काम बन गया आपने? जी सर, वो पहले तो इंग्लिश मीडियम में थी सर, पहले सूर्य संपट नहीं पड़ी सर वैसे तो, फिर बाद में धीरे धीरे कोशिश किया तो हो गया। अभिषेक कह रहा है कि पहले बुक इंग्लिश मीडियम में थी, थोड़ा समझ में कम आया, पर धीरे धीरे, देखिए हथियार नहीं डालना है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी दिक्कत होती है, बच्चा शुरुआती लेवल में अपने हथियार डाल देता है, शुरुआती लेवल में गिव अप कर देता है। तो शुरुआती लेवल में जब आपने शुरुआत किया, इनको इंग्लिश में है टीथिंग ट्रबल्स की शुरुआत, किसी काम की जब हम शुरुआत करते हैं तो शुरुआत के दौरान कुछ थोड़ी बहुत छोटी मोटी समस्याएं आती है, उस दौरान अधिकतर लोग गिव अप कर देते हैं, हार मान जाते हैं। अभिषेक ने हार नहीं मानी, शुरू शुरू में दिक्कत आई पर उन्होंने लगे रहे और काम होता गया। अभिषेक, GS के लिए हिस्ट्री पॉलिटी और ज्योग्राफी के लिए कैसे पढ़ा बेटा आपने? सर पहले तो ये हिस्ट्री ज्योग्राफी सर पॉलिटी सर ये वैसे तो सर 12th में 8 सब्जेक्ट में रहती थी, तो इसमें इतना अच्छा नहीं था सर हम,
सर यहाँ पर फिर आए सर, महेंद्र सर ने थोड़ा बताया हमको, फिर लुसेंट खरीदी हमने, फिर उससे पढ़ा सर, उससे थोड़ी आगे फिर उससे फिर हो गया जी सर। तो एनडीए का रिजल्ट जब आपने देखा तो आपको कैसा लगा, क्या कैसा कैसा महसूस हुआ? सर मेरे को लग रहा था कि हाँ सर अपन एक वो रेड लाइन पर है, मतलब 360 नंबर के लगभग आ रहे थे। हाँ। तो सर मेरे को लग रहा था कि या तो इधर पार होंगे या फिर इधर पार होंगे। 360 मार्क्स इनको आ रहे थे, इन्होंने कहा कि मैं रेड लाइन पर हूँ, इधर होंगे या उधर होंगे। अब आपका नाम दोनों लिस्ट में है? जी सर दोनों लिस्ट में। देखिए बच्चों, एनडीए 1 और एनडीए 2 दोनों के लिए इन्होंने क्वालिफाई किया है, और आप देख सकते हैं कि हमारे जैसे ही हमारे परिवेश के स्टूडेंट्स हैं, सिर्फ थोड़ा सा एक दृढ़ संकल्प की बात है। हमने पिछली बार अपनों की बात प्रोग्राम में वो बात बोला भी था कि दृढ़ संकल्प आप रखेंगे तो आपका काम आसानी से हो जाएगा। अभिषेक मुझे फिजिक्स के बारे में और बताओ। देखिए जनरली जो सब्जेक्ट्स हैं, जिन सब्जेक्ट्स का बड़ा इंपॉर्टेंस है, मैथमेटिक्स का बड़ा इंपॉर्टेंस है, इंग्लिश का बड़ा इंपॉर्टेंस है, हमने फिजिक्स का, फिजिक्स के लिए आपने क्या किया? सर फिजिक्स में सर मैं 11th से 12th से सर पढ़ रहा था उसका बहुत सर। मैंने अपने जो सीनियर से पूछा है कि सर फिजिक्स कैसी रहती, भैया फिजिक्स कैसी रहती है, तो वो बोलते हैं कि टफ रहती है वैसे पढ़ने में। तो सर मैंने उससे पहले से फोकस किया था तो वो हो गई थी। इन्होंने फिजिक्स को 11 12 की बुक्स को बेस बना करके पढ़ा, और जब वहाँ से फिजिक्स पढ़ा तो हो गया, पहली बार में एयरफोर्स क्लियर हो गया, पहली बार में एनडीए क्लियर हो गया। अब जो है अभिषेक, आपने रिटर्न एग्जाम तो पूरे अच्छे से क्लियर कर लिया, एसएसबी के लिए आपके मन में क्या विचार चल रहा है, कैसे कैसे सोचते हैं, कैसे लेते हैं एसएसबी को? सर यदि मैं कोशिश करूँ तो सिलेक्ट हो सकूँगा सर मैं। कोशिश करेंगे तो सिलेक्ट हो सकते हैं बच्चों, यही कहा जाता है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, और लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती है। तो आप लोग भी मेहनत कीजिए, जहाँ है वहीं कीजिए। अगर आपको लगता है ऐसा कि हमें किसी की मदद चाहिए, किसी एकेडमी की मदद चाहिए, तो आप हमको निसंकोच ज्वाइन कर सकते हैं, पर ऐसा जरूरी नहीं है कि आप फोर्स एकेडमी आएंगे तो ही आपका सिलेक्शन होगा। आप जहाँ जैसे अभिषेक ने जिस तरह दृढ़ संकल्प किया और उसके साथ उन्होंने अपनी एग्जाम के अंदर सफलता पाई, तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। अभिषेक थैंक यू बेटा, शाबाश, जय हिंद। जय हिंद सर।